एबीपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदी जिले का चितुप्पा तालुका का नीडावाड़ी गांव में हत्या, मृतक के परिजन ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदी जिले का चितुप्पा तालुका के नीडावाड़ी गांव में बुधवार को हत्या कर दिए एक व्यक्ति के सदस्य ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को मन्नाखेड़ी ग्राम में विरोध प्रदर्शन किया गया। संपत्ति सर्वेक्षण के मुद्दे पर बुधवार को कुल्हाड़ियों और तलवारों से हमले के परिणाम स्वरूप गांव के 45 वर्षीय मल्लिकार्जुन तुक्कप्पा राजगिरा की मौत हो गई। भूमि सर्वेक्षण कार्य को लेकर नीडावाड़ी गांव के निम्बुरिया और राजगिरा परिवारों के बीच विवाद हत्या का कारण बना। मृतक का बेटा नीलकंठ ने मन्नाखेड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि लिंगराज बसवनप्पा, शंकर चन्नप्पा, शंकर काशीनाथ वीरशेट्टी, सतीश काशीनाथ, कन्हैया मंदकनली कुल 10 लोगों ने मिलकर हत्या की है। पुलिस ने अब सिर्फ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी 4 लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए विधायक डॉक्टर शैलेन्द्र बेलदाले, पूर्व विधायक और जेडीएस नेता पंडित पाक हाशिमपुर और पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी, डीएसपी न्यामगौड़ा, सीपीआई महेश पाटिल ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और मृतक के परिवार को सुरक्षा दिए जाने का आश्वासन दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन साफ सुथरे ढंग से किया जाना चाहिए। वे शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 26 जनवरी की सुबह सभी स्कूल और कॉलेजों में उन्होंने कहा कि सरकारी एवं अनुदानित सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सभी अधिकारी प्रातः 8:45 पर जिला नेहरू स्टेडियम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे तथा भाग लेने वाले स्कूली बच्चों को नगर परिषद द्वारा फल एवं मिठाइयां वितरित करने की व्यवस्था की जाए। साहित्य, कला, कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले 11 लोगों को सम्मानित किया जाएगा और इसके लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिन्हें पहले ही सम्मानित किया जा चुका है, उन्हें दोबारा सम्मानित न किया जाए। गणतंत्रता के दिन सभी स्कूल कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और ग्राम पंचायत सहित सरकारी और अनुदानित सरकारी संस्थानों में गांधी जी के चित्र के साथ अंबेडकर के चित्र की पूजा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पहले से ही सरकारी निर्देश है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की जानी चाहिए और मंच सजावट उप समिति के नियमों के अनुसार काम किया जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हमनाबाद से बसवा कल्याण के लिए बसों का संचालन कम रहने के कारण आए दिन आम यात्री और विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर बस न मिलने से विद्यार्थियों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने ग्राम तक पहुंचने के लिए अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। कल यलामास त्योहार के मौके पर भी बस की व्यवस्था कम रहने से बस में सवार यात्रियों को आपस में झगड़ना पड़ा और सफर के लिए मशक्कत करनी पड़ी। यह पहली बार नहीं है, यह अब हर दिन का मामला हो गया है। इस पर प्रशासन और आरटीसी विभाग को ध्यान देकर लोगों की परेशानी समाधान करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धरामैया कैबिनेट के मंत्रियों को अधिक डिप्टी सीएम पद बनाने पर बयान देने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा और पार्टी की छवि को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इससे विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव से पहले एक हथियार भी मिलेगा। खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कांग्रेस शासित 4 राज्यों के मंत्रियों के विचार मंथन सत्र में बोल रहे थे। मंत्रियों द्वारा अधिक डिप्टी सीएम पदों का मुद्दा उठाने से नाराज खड़गे ने इसमें शामिल लोगों, खासकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वफादार सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना को आड़े हाथों लिया
उन्होंने राजन्ना से सीधे तौर पर पूछा कि एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा बुधवार को चेतावनी जारी करने के बावजूद वह अधिक डिप्टी सीएम पदों के बारे में क्यों बोलते रहे। इससे पहले सुबह डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई और बेंगलुरु ग्रामीण सांसद डीके सुरेश ने इस मुद्दे को उठाने के लिए मंत्रियों खासकर राजन्ना पर कटाक्ष किया और इसे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान बताया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोलार, चिकबल्लापुर, जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड कोमलू में चल रही भर्ती में एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है, जिसके अध्यक्ष मलूर कांग्रेस विधायक केवाई नांजे गौड़ा है और अन्य धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत गुरुवार को यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एजेंसी ने गौड़ा और कोमलू के चार सदस्यों पर साक्षात्कार प्रक्रिया में पूरी तरह से हेरफेर करने, प्रत्येक पोस्ट को 20 से 30 लाख रुपए में बेचने और 30 राजनीतिक संदर्भों को समायोजित करने का आरोप लगाया है। चयनित उम्मीदवारों को आदेश जारी किए गए और अंतिम सूची सार्वजनिक किए बिना उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान कोमलू के निदेशकों और भर्ती समिति के सदस्यों ने स्वीकार किया कि प्रत्येक पद 20 से 30 लाख रुपए में बेचा गया था। कुछ राजनेताओं ने अपने उम्मीदवारों को चयन के लिए भेजा था और ऐसे 30 संदर्भों को समायोजित किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने भर्ती समिति के प्रमुख होने के नाते गौड़ा पर पदों की बिक्री और साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवारों के अंकों में हेरफेर में सक्रिय और प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का आरोप लगाया। इस बीच ईडी ने तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान 25 लाख रुपए नकद, 50 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा बरामद जब्त किया। राज्य भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि वे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर जल्द ही पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। बेंगलुरु में पार्टी नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि बैठक के दौरान कई नेताओं ने यह भी महसूस किया कि उम्मीदवार का चयन जल्द किया जाना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन कर रही है और कहा कि सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं को 20,000 रुपए से 25,000 रुपए का भुगतान करके धन का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा सीएम को 14 बजट पेश करने का अनुभव है लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है और सरकार वेतन देने की स्थिति में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलेंगे और राज्य सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग की शिकायत करेंगे और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड बीडब्ल्यूएसएसबी और बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बीडीए को अगले 3-4 महीनों में बेंगलुरु दक्षिण और अनेकल के कुछ हिस्सों के निवासियों को कावेरी जल की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। इलेचना हल्ली के पास सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा सांसद डीके सुरेश ने क्षेत्र में पीने के पानी और यातायात की भीड़ का मुद्दा उठाया है। मैं बीडब्ल्यूएसएसबी और बीडीए के अधिकारियों को अगले 3-4 महीनों में क्षेत्र के लिए कावेरी जल को प्राथमिकता देने का निर्देश दूंगा। शिवकुमार ने कहा कि जब लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता तो वे सरकार के पास जाते हैं। आप हमारे दरवाजे पर आने के बजाय मैं सरकार को आपके दरवाजे पर ले आया हूं। हम बेंगलुरु के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के मुद्दों का समाधान करेंगे। डीसीएम ने कहा कि लगभग 500 अधिकारियों ने मौके पर जनता की शिकायतें सुनी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 18 किलोमीटर की दूरी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कनकपुरा और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पुराने बीडीए प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी है। ऐसे समय में जब राजनीतिक दल राम मंदिर के अभिषेक को लेकर वाक युद्ध में लगे हुए हैं, कर्नाटक सरकार ने अपने लिए अयोध्या में यात्री निवास गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 5 एकड़ जमीन मांगी है।
अब भी योगी सरकार के जवाब का इंतजार है। कर्नाटक बंदोबस्ती मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि प्रस्ताव नया नहीं था, सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बसवराज बोम्मई ने भी इसी तरह का अनुरोध किया था। सीएम सिद्धरामैया ने भी अपने यूपी समक्ष योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यात्री निवास बनाने के लिए जमीन मांगी थी, लेकिन अभी तक यूपी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रेड्डी ने कहा 2020 में तत्कालीन सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी यूपी सरकार को पत्र लिखकर 2 एकड़ जमीन की मांग की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि वह 22 जनवरी के बाद जब भी समय मिलेगा भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उस दिन राज्य भर के राम मंदिरों में विशेष पूजा करेंगे। उन्होंने कहा मुझे 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण नहीं मिला है, हम श्री राम के दर्शन के लिए भाजपा पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम भी राम की पूजा करते हैं, लेकिन भाजपा राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा हम उनकी राजनीति का विरोध करते हैं, श्री रामचंद्र का नहीं। कांग्रेस सरकार के 5वें गारंटी युवा निधि का शुभारंभ करने यहां पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 22 जनवरी को राज्य भर के राम मंदिरों में विशेष पूजा करेंगे। सिद्धरामैया ने कहा मैं देखूंगा 22 जनवरी के बाद जब भी मुझे कुछ समय मिलेगा मैं श्री राम से प्रार्थना करने के लिए अयोध्या जाऊंगा। हम राम के खिलाफ नहीं है, हम केवल भाजपा की राजनीति का विरोध करते हैं। गोवा हत्या मामले में जहां बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप के सीईओ ने अपने 4 साल के बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी थी, मामले ने गुरुवार को एक नया मोड़ ले लिया जब पुलिस ने अपराध स्थल पर आरोपी के बैग से एक चाकू और एक नोट भी बरामद किया। साथ ही जिन परिस्थितियों के कारण लड़के की हत्या हुई उसे देखते हुए आरोपी सूचना सेठ की मानसिक स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि गोवा में उसका इलाज कर रहे मनोचिकित्सकों और डॉक्टरों ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि उसे मानसिक बीमारी का इतिहास है या नहीं। गोवा पुलिस सूचना को गुरुवार को परीक्षण के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और मनोचिकित्सा और मानव व्यवहार संस्थान ले गई। चाकू की बरामदगी के साथ ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सेठ ने अपने बेटे को कफ सिरप पिलाकर बेहोश किया होगा और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी होगी। पता चला है कि आरोपी ने उसके बैग से बरामद नोटों में उसके ससुराल वालों द्वारा उसे दिए गए कथित उत्पीड़न के बारे में लिखा था। इस बीच सूत्रों ने कहा कि सूचना ने अपने पति वेंकट रमन को दिसंबर में अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं दी, जबकि अदालत ने उन्हें मुलाकात का अधिकार दिया था। 7 दिसंबर को जब वह गोवा में थी सूचना ने अपने पति के वीडियो कॉल का जवाब दिया और यह रमन की अपने बेटे के साथ फोन पर आखिरी बातचीत थी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदी जिले का चितकुप्पा तालुका का नीडावाड़ी गांव में हत्या, मृतक के परिजन ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना दिया। न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।